व्हाट्सअप गाइज, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरवस OSS 4.1 वाले रोम के हॉट फिक्स की हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। इस रोम में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। अब अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉट फिक्स वाले चेंज लॉक की। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें फिक्स और एड इस हॉट फिक्स वाले अपडेट में की गई हैं। स्टेबल INX कैमरा यहाँ ऐड कर दिया गया है, फिर वाईफाई डिस्प्ले, यूट्यूब स्क्रीन कास्टिंग को भी फिक्स कर दिया गया है, और कुछ लोगों को MTP और फाइल कॉपी वगैरह करने में इशू आ रहा था वो भी अब फिक्स हो चुका है, और बाकी चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हो। ये एक हॉट फिक्स वाला अपडेट है तो हम फीचर्स की यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी फीचर्स आपको एस 4.1 वाले ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन चीज़ें जैसे परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप वगैरह कैसा मिलता है वो सब बता देता हूँ। प्री इंस्टॉल्ड कैमरा की बात करें तो जैसा कि चेंज लॉग में मेंशन किया गया था, स्टेबल INX कैमरा यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। पोर्ट्रेट और 48MP शॉट्स भी आपको वर्किंग मिल जाएंगे। कैमरा के बाद गूगल फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। ऐप ड्रॉर में ही आपको मोटो ऑडियो ट्यून्ड बाय डॉल्बी भी देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स के अबाउट फोन में जाकर एंड्रॉयड वर्जन पर टैप करने पर एंड्रॉयड वर्जन आपको देखने को मिल जाता है 12L। सिक्योरिटी पैच मिलता है अक्टूबर का, कर्नल है पफ प्लस और सिलिनक्स स्टेटस इनफोर्सिंग है। सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही मिल जाएंगे, साथ ही ऐप लॉकर का सपोर्ट भी मिलेगा। बैटरी वाले सेक्शन में जाने पर सबसे पहले आपको ये बार देखने को मिल जाता है, उसके नीचे कैपेसिटी, साइकिल और टेम्परेचर देख सकते हो। व्यू यूसेज फॉर पास्ट 24 आवर्स को भी इनेबल कर सकते हो। फिर आपको मिल जाता है स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। बैटरी यूसेज का ग्राफ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और बात करें रोम के बैटरी बैकअप की तो FKM के बैटरी मॉनिटर को आप यहां पे चेक कर सकते हो। रोम फ्लैश करने के बाद मैंने नॉर्मल यूज़ ही किया है, साथ ही किए थे थ्रोटलिंग और गीकबेंच टेस्ट। इसके बाद जो एक्टिव ड्रेन यहां पर देखने को मिल रहा है वो है 11.74% और आइडियल ड्रेन है 0.26%। QoS पैनल का तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, लाइट थीम में लाइट और डार्क थीम में डार्क ही आपको मिलेगा। वाईफाई और मोबाइल डाटा के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग और कंबाइंड दोनों ही टाइप के टॉगल मिल जाएंगे। अब स्टोरेज को चेक कर लेते हैं तो सिस्टम का साइज़ यहाँ पे 13GB देखने को मिल रहा है। कोरवस सेटिंग्स में सबसे पहले आपको मिल जाता है गेम स्पेस। अब कोरवस सेटिंग्स की बाकी सब चीज़ों को हम कर देते हैं स्कीप और बात कर लेते हैं डिवाइस के सर्टिफिकेशन की। बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिवाइस सर्टिफाइड मिलेगा, बैंकिंग ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद चेक कर लेते हैं DRM इन्फो को, तो यहाँ पर वाइड वाइन में सिक्योरिटी लेवल L1 देखने को मिल जाता है। डायलर की बात करें तो इस रोम का मैंने GFS बिल्ड फ्लैश किया है और इसके साथ जो डायलर मिलता है उसमें अनाउंसमेंट के साथ कॉल रिकॉर्डिंग वाला ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करें इस रोम के स्मूदनेस की तो स्मूदनेस यहाँ पे ठीक ही है, उतना ज़्यादा स्मूद आपको ये रोम नहीं मिलता। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस आप देख सकते हो, ऐप ओपनिंग स्पीड भी चेक कर सकते हो, बट ऐप ओपनिंग में समटाइम्स यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इन सब चीज़ों का एक रीज़न यहाँ पे यूज़ किया गया पफ कर्नल भी हो सकता है, क्योंकि अगर एजियोर या एक्सकेलिबर प्लस कर्नल यहाँ यूज़ किया जाता तो स्मूदनेस के साथ ही बाकी चीज़ों में भी होपफुली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता। अब बात कर लेते हैं Geekbench स्कोर्स की। स्टॉक कर्नल के साथ सिंगल कोर स्कोर देखने को मिलता है 502 और मल्टी कोर मिलता है 1469। इसके बाद CPU थ्रोटलिंग टेस्ट को 20 थ्रेड्स पे 10 मिनट्स तक रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रोटलिंग ग्राफ और GIPS स्कोर यहाँ देखने को मिलते हैं, कोई थर्मल थ्रोटलिंग देखने को नहीं मिलती। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की, तो सबसे पहले तो कोरवस सेटिंग्स में आपको अनलॉक हायर FPS इन गेम्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, उसे यूज़ कर कर आप BGMI में स्मूथ प्लस 90 FPS अनलॉक कर सकते हो। किसी मॉड्यूल की ज़रूरत आपको FPS अनलॉक करने के लिए नहीं पड़ेगी।
और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो जब तक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन नहीं करते तब तक तो गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ही रहता है, बट जैसे ही आप ऑन कर लेते हो स्क्रीन रिकॉर्डर को तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे भयानक वाला ड्रॉप आ जाता है। FPS मीटर आप राइट अपर कॉर्नर में देख सकते हो और ये गेम यहाँ पर चल रहा है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी 60 FPS पे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।